ऑफ कोर्स मैन, जर्नी इज लाइक अ लाइफ, अप्स एंड डाउन्स हमेशा आएंगे. तो हम लोग यहाँ पर पेट्रोल पंप के लिए वेट कर रहे हैं और उनका भी वेट कर रहे हैं, मुकेश लोगों का, कि देखते कि आते हैं कि नहीं वो लोग. और डूड, पेट्रोल के दाम ऐसे बढ़ रहे हैं जैसे कि सोने का वो भाव बढ़ता है भाई. अभी तो फिलहाल यहाँ पर 95 है जहाँ पर मैं हूँ. 107. What? 107. Oh, yeah, fuck bro, 107 है अभी. वो मैं डीजल का दाम देख रहा था एंड लाइक लिटरली जैक सोने के दाम बढ़ते हैं ना वैसे पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं. जहाँ पर मैं हूँ ना वहाँ पर 1110 है. फक ब्रो, 1110 जस्ट फॉर 1 लीटर मैन. व्हाट द फक इज गोइंग ऑन मैन. हाँ सुरेंद्र भैया, कहाँ है वो लोग? वो लोग आए, आगे निकल गए क्या? आगे निकल गए शायद. लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है आगे. सो यहाँ पर सुरेंद्र भी यहाँ पर आ चुका है यार, इसको भी पेट्रोल भराना था. पुणे तो देवकुंड जाने के लिए मे बी 3 लीटर्स में, नहीं 4 समथिंग 5 पड़ेगा. 5 लीटर्स में आप लोग आराम से जा सकते हो. एंड लाइक लिटरली अगर अभी के टाइम पे देखा जाए तो 5 लीटर्स का कॉस्ट होगा 500 रुपीज. मैन 535. बट लेट्स सी, आज का जो ट्रिप है वो बहुत ही ज्यादा इंजॉयमेंट आने वाला है. थोड़ा और लेट से आते थे तो आपकी वजह से लेट हुआ है. हमारे वजह से लेट नहीं हुआ है, हम भी लेट आए हैं. नहीं भैया, रात को बोले थे, मैं थोड़ा इधर उधर चला गया था, काम पे चला गया था, जॉब पे गया. नाइट ड्यूटी थी ना. नाइट ड्यूटी थी या कहीं और की ड्यूटी थी? नहीं नहीं, मुंबई था ना ये. नाइट ड्यूटी पक्का ना? देखना आँख तो देख भैया, प्रूफ आँख तो देख. प्रूफ देख क्यों? मेरे को थोड़ी ना पता किसने आँख सूजी हुई है. स्माइल ही देखो भाई, बहुत प्यारी है भाई की. हाँ ना वो कौन सा सो फाइनली गाइस यहाँ पर हमारा पेट्रोल डल रहा है. कैश दूँ क्या? नहीं मैं एक्सरसाइज करके आया था. हाँ ना, वो थेरा बैंड जो बताया था ना तेरे को एक्सरसाइज, वही सेम एक्सरसाइज करके आया. ठीक हो जाता है भाई, मतलब मेरे को लग रहा है मेरा स्टार्ट हो गया फिर यार. हाँ क्या? अबे थोड़ा वो है ना, फोकस अपने उस पे दे, थाइस पे दे. लाइक जब बैठता है ना तो स्टैंड के ऊपर हल्का सा वो पाँव रखा कर, ताकि तेरे उस पे बैक के ऊपर प्रेशर ना पड़े. ओके चले. एक सुकून मिला जिसे मैं था भूलता, वो वजूद मिला. प्रॉब्लम वहाँ पे क्या है ना कि यहाँ से अंदर जाने के लिए लोग बोलते हैं कितना, 10 मिनट का टाइम लगता है, बट 10 मिनट का नहीं लगता है, काफी टाइम लगता है अंदर जाने. अबे वो लोग क्या आ रहे हैं ना, वो लोग आ रहे हैं इधर ही आ रहे हैं. वहाँ क्या क्या मिल रहा है इधर? पोहा, उपमा, मिसल पाव. सो गाइस यहाँ पर हम लोग भी खाने के लिए रुक रखे हैं. सी वो लोग आ रहे हैं. Oh,
सो गाइस लेट्स सी एंड लोग सुबह समथिंग 5:30 को निकले थे बट मैं जो पहुंचा था इन लोगों के पास समथिंग 6 o'clock पहुंचे थे ना बहुत ही ज्यादा लेट हो गए थे 6:50 पे हम लोग इनके पास पहुंचे थे एंड आफ्टर दैट की हम लोग यहाँ पर अभी वेट कर रहे हैं एंड कुछ खाने के लिए यहाँ पर बैठ रखे इसके बाद बस एक ही जगह पे रुकेंगे जो तामनी घाट पे ओके इसके अरे हाँ यार तामनी घाट का जो व्यू है बहुत ही ज्यादा सेक्सी है लाइक मैंने देखा था मैंने लाइक एक 2-3 ब्लॉग देखे थे और उस तामनी घाट का जो व्यू है ना लाइक लिटरली गाइस बहुत ही ज्यादा अच्छा है वहाँ पर जो रिवर निकलती है वो डूड मैं क्या बताऊँ उसकी एक लाइक मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा कैसा बताता हूँ डायरेक्टली वहीं पर मिल करके बताएंगे हाँ भाई सुरेंद्र भैया देखिए जरा मिसल पाव है एक ही प्लेट पाव मिलेगा और जब थोड़ा पाव रहता तो पाव मिलेगा साइड की तरफ वो नहीं होता मसाला उधर कटिंग उधर कटिंग मिल रहा था ठीक है कटिंग कटिंग पियोगे चाय चाय अरे इंडियन का ये बहुत ही ज्यादा भयंकर होता है कि कभी भी देखना हम लोग चाय को मिस नहीं करेंगे मॉर्निंग के टाइम पे हमें एक ना एक कटिंग तो चाहिए ही चाहिए है कि नहीं हाँ भैया लो क्या बोल जो भी है ना एक मिल अभी और डायरेक्टली अभी जो मिल होगा वो 4 या 5 o'clock को इवनिंग में होगा तो इसके लिए जितना खाना है अभी खा लो कौन बोल रहा है कैंसिल हो गया भैया अरे आपको ये भाई साहब की वजह से मुझे 5 बजे से कॉल कर रहा है 5 बजे से पहले वो भाई मुझे बोल रहा है उठता नहीं सुने अपने खुद लेट आया मुझे बोला उठता नहीं कौन बोल रहा था चैटिंग कर रहा था ये कांति बोला चाहिए कौन चैटिंग कर रहा था भाई मुझे भी क्या था इसको भी क्या था ये बंदे ने बोला ये इस बंदे ने मास्क हटा ने बोला कि 5 बजे भाई लेट हो जाएंगे 5:30 बजे निकलते हैं फेस रिवील ध्रुआ का फेस रिवील बोला 5 बजे सब रेडी हो जाओ एक और टपली मारना देख लो इसका ये बंदा पूरी रात चैट करता दिन भर होता है कुछ काम नहीं है अपनी बंदी से अरे अरे ये तो काउंटर मारा भाई बंदी ने बोला ना बंदी ने म्यूट भी कर दिया होगा यही काम रहेगा अभी उधर अरे इसको नीचे पहन लियो ठीक है ये बहुत हल्का है सुरेंद्र का सपना पता है ना जब परिंदर निकले भाई वन नमकीन लेके आया गांधी के लिए बहुत खुश हो रहा था जलपरी से निकलेगा पानी भाई लड़कियां सेट अरे मैंने वहाँ का वीडियो देखा जलपरी के देखो जाएंगे अरे भैया आप लेके चलना यार देख ले दिखाओ दिखाओ मेरे पास नहीं है भैया को एक बार चश्मा देना एक मूवी में लगते हैं कौन सी मूवी में अरे अरे खान सर है भाई खान सर है खान सर है अंधा तुम देखिए ये सब यही बोलते काले चश्मे तो यही बोलते लेके आए आप बताए कि नहीं आप अरे 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 कांति फेस तो दिखा हाँ अरे डीएम करो भाई डीएम करो लड़किया डीएम करो ये ब्लॉगर से बचने के लिए रहना पड़ेगा सुर्री यार ऐसा कर रहे क्या चाचा हाँ नहीं हो जाता है रे भाई
क्या 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 अभी क्या पहन के ऐसा क्या चैट करता है ये सपोर्टर पहन के सुना भाई यार 90 degree तो नहीं हो जाता ना बोलने नहीं हाँ भाई 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 90 degree तो नहीं हो जाता ना बात कर रहा था ना चैट कर रहा था तो मजबूरी है कि भाई सपोर्टर पहनना सही बात इसका दिमाग खराब हो गया जल्दी बंद गिर गया साला ये तो डालूंगा भाई गाइस यहां पर हमारे मिशेल पाव आ रखे हैं हाय हाय मिशेल पाव भैया अरे भैया तुम्हारा नमकीन आ गया यहाँ पर यार अरे कांति भाई नमकीन आ गया पर यार ये नमकीन की स्टोरी क्या है ये तो बताओ सुर्री भैया नमकीन आ गया नमकीन की स्टोरी क्या है ये तो बताओ क्या क्या है यार बताइए टेस्ट करके बताना कैसे सुर रही अच्छा ही लगेगा भाई कहाँ डाल रहा वो अंदर और वेट करना 2 मिनट मुझे पीछे से नहीं पीछे से है पावले वही ना यार चलो अब यहाँ पर हम अपना मिशेल पाव खाते हैं एंड लेट्स सी नमकीन यार मेरा नमकीन फेवरेट है नमकीन अच्छा है ये देखते ही है सर व्हाट इज दिस ओके कैमरा बंद है सीट टाइम ले सकते हैं डूडिया कोपचे में क्या है बे स्टिंग स्टिंग ब्रो ओके थैंक यू सो मच भैया आपका फूड बहुत ही ज्यादा अच्छा था और आप मतलब लोग आएंगे तो ये कहाँ पर फाइंड करेंगे इसको ये प्लेस को कौन सा पेरंगोल के सामने है यहाँ पर आप आओगे तो ये फ्रंट गेट आप देख लोगे और इंटीरियर कुछ ऐसा है और थैंक यू सो मच भैया वंस अगेन ये रहा देखो ऐसा है कुछ एंड लाइक जो फूड था वो काफ़ी अच्छा था एंड कंपेयर टू मॉर्निंग के हिसाब से बिकॉज जो खाना है ना अभी कोई भी शॉप ओपन नहीं है तो जैसे कि आप देख ही सकते हो आपको ऐसा मिल जाएगा ये है जो शॉप का फ्रंट फेस और ये इस रास्ते के बीच में ओके सो अब चलो चलते हैं गाइस एंड पेट भर चुका है और हम लोग नोवेल के साथ में तो नोवेल यहाँ से आप कहाँ चलेंगे मुझको चलाती है।